अपने आसपास के 20 परिवारों के महिला पुरुष एवं बच्चों की संख्या का पता करो। अब उन परिवारों के कुल महिला पुरुष और बच्चों की संख्या को वृत्ताकार लेखा चित्र मतलब पाई चार्ट में प्रदर्शित करो, ठीक है। तो देखो 20 परिवार के सदस्यों की संख्या लिखनी है अपने को, सबसे पहले 20 परिवार के सदस्यों की संख्या, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इस प्रकार से जो आपको ये क्या बनाने ना है, एक वर्गाकार जो है इस पर पाई चार्ट बना लेना। देखो सबसे पहले इधर लिखोगे घर का क्रमांक, ठीक है। घर के क्रमांक कौन कौन से, 1, 2, 3, 4, 5 से इस लेकर कहाँ तक है, 20 तक लिख रहे हैं आपको। कितने घरों की संख्या लिखनी है, 20 घरों की संख्या, ठीक है। फिर उसके नीचे दस्त नीचे आप लिखोगे कुल सदस्य संख्या, भाई इस परिवार में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, ठीक है। भाई मान लीजिए कि इसमें जो है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है आपके जैसे 5 सदस्य हैं, ठीक है। क्या है, 5 सदस्य, पहले परिवार जो है उसमें 5 सदस्य हैं, जिनमें से अगर बात करें तो महिलाएँ कितनी हैं, 1 महिला है, 1 पुरुष है और 3 बच्चे हैं। तो इस प्रकार कितने हो गए ये सदस्य, टोटल 5 हो गए। उसी प्रकार अगर दूसरे परिवार की बात करें तो इसमें टोटल सदस्यों की संख्या कितनी है, 7 है, जिसमें से 2 महिला हैं, 2 पुरुष हैं और 3 बच्चे हैं। अगर तीसरे परिवार की बात करें तो तीसरे परिवार में टोटल सदस्यों की संख्या 9 है, जिसमें से 3 महिलाएँ हैं, 2 पुरुष हैं और 4 बच्चे हैं। चौथे परिवार की अगर बात करें तो इसमें टोटल सदस्यों की संख्या 12 है, महिलाओं की संख्या 3 है, पुरुषों की संख्या 2 है और बच्चों की संख्या 4। इस प्रकार से जो आपको कंप्लीट यहाँ पे 20 परिवारों की संख्याएं लिखनी है प्रश्न, ठीक है। कितने परिवारों की, 20 परिवारों के। आप ये सभी संख्याएं लिखने के बाद में आपको क्या करना है, नीचे एक लाइन लिखनी है कि कुल 20 परिवार के सदस्यों की संख्या 125 है। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना लास्ट में, देखो कुल सदस्यों की संख्या कितनी है लास्ट में, कितनी है 125, ठीक है प्रश्न, कितनी आई 125 आई। तो यहाँ पे जो आप लिखोगे कि कुल 20 परिवारों के सदस्यों की संख्या 125 है, जिसमें आप लिखोगे कि वर्ग, देखो महिला पुरुष बच्चे कुल सदस्य, जिसमें सदस्यों की संख्या, देखो महिलाओं की सदस्य संख्या तो कितनी है, टोटल टोटल है ये 20 परिवार में टोटल महिलाएं 35 तो महिलाएं हैं, 30 पुरुष हैं और 60 बच्चे हैं। इस प्रकार टोटल मिला के जो है यहाँ पे कितने हुए, टोटल मिला के यहाँ पे 125 जो है कुल सदस्य हो गए पर्सन, ठीक है। कितने हो गए, 125 जो है यहाँ पे कुल सदस्यों के। ये आपको यहाँ पे दिख ले रहा है, यहाँ पे 35 है, 35, ठीक है, 35 है वहाँ पे, ठीक है। तो इस प्रकार जो है टोटल कुल सदस्यों की संख्या कितनी हो गई, 125 हो गई। अब देखो संपूर्ण वृत्त 125 जो है सदस्यों का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। संपूर्ण वृत्त जो है, मान लीजिए आपको वृत्त में पाई चार्ट बनाना है ना, तो ये जो मान लीजिए वृत्त ना, ये संपूर्ण वृत्त ये कितने सदस्यों की संख्या को प्रतिनिधित्व कर रहा है, 125 की, कितनी परसेंट है, 125 के परसेंट ऑफ संपूर्ण वृत्त 125 सदस्यों का प्रतिनिधित्व करता है। वृत्त पर 125 सदस्यों के लिए केंद्र पर बनाया गया कोण कितना है, 360 डिग्री का है पैशन, ठीक है। कितना है, 360 डिग्री का। अब देखो चूंकि एक सदस्य के लिए वृत्त पर बना, वृत्त पर केंद्र पर बना कोण कितना हो जाएगा, 360 बटे 125, भाई टोटल कोण कितना है, 360, और सदस्यों की संख्या कितनी, 125, तो 360 बटे 125 आपको लिख लेना है। फिर देखो अतः महिलाओं के लिए कोण, महिलाओं के लिए कोण कितना हो जाएगा, 360 बटे 125 इंटू 35, 35 क्योंकि अपन ने गुणा में, क्योंकि महिलाओं की संख्या कितनी है, 35 है। फिर आप इसको क्या लिखोगे, 100.8, ये इसका सॉल्यूशन आएगा। इसी प्रकार पुरुषों के लिए क्या लिखोगे, 360 बटे 125 इंटू 30 मतलब 86.4। फिर बच्चों के लिए कौन लिखोगे कितना, 360 बटे 125 इंटू 60 मतलब 172.8, ये जो आपका इसका सॉल्यूशन होगा। अब देखो आपको जो वृत्त का पाई चार्ट बनाना वो किस प्रकार बनाओगे, ये आपको एक वृत्त बनाना है यहाँ पे, और यहाँ पे देखो 172 डिग्री का कोण किसके लिए, बच्चों के लिए। फिर 86.4 डिग्री का कोण किसके लिए, पुरुषों के लिए। और 100.8 डिग्री का कोण किसके लिए, महिलाओं के लिए। यहाँ तक जो आपका कंप्लीट आंसर होता है, और यहाँ तक जो आपको 20 में से 20 नंबर जो है एग्जामिनर आपके